28 जनवरी से दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके से लापता नसीम नाम के एक शख्स का शव इलाके के एक नाले से मिलने से सनसनी फैल गई। नसीम के परिजनों ने शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि नसीम की गुमशुदगी की शिकायत दयालपुर थाने में लिखवाई गई थी। वहीं मृतक नसीम के परिजनों ने बताया कि शिव विहार तिराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर नसीम का शव एक नाले से मिला है। परिजनों की माने तो शरीर पूरी तरह से फूला हुआ था, साथ ही उसके चेहरे और आंखों पर चोट के गंभीर निशान भी थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि नसीम की हत्या हुई है या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ है। नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट।